চিলা পাতা রঙে রঙিন নিঝুম নিবিড় অরণ্য দিন প্রজাপতির হলুদ ডানায় পাখির আকাশ সেলাম জানায় গহীন গভীর গহন বনে সময় হারায় আপন মনে চিলা পাতা রঙে রঙিন নিঝুম নিবিড় অরণ্য দিন চিলা পাতা রঙে রঙিন নিঝুম নিবিড় অরণ্য দিন हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। पिछले एपिसोड में हम लोग थे गोरुमारा नेशनल पार्क में और वहाँ पे जंगल सफारी में आपने देखा होगा कि हमारे जीप को हाथी ने अटैक किया था। अगर वो वीडियो आप मिस कर गए तो उसको ज़रूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। और आज इस एपिसोड में हम लोग अभी जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के जौलदापारा रेंज के अंदर चीलापाता फॉरेस्ट में। चीलापाता फॉरेस्ट, इसका हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। और चीलापाता में हम लोग कल सुबह जीप सफारी करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे चीलापाता को। अभी हमारे घर पे रात को 8:30 बज रहा है और थोड़ी ही देर में हम लोग चीलापाता पहुंचने वाले हैं। रात को चीलापाता में हम लोग रहेंगे फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस में। দাদা, চিলাপাতার যে ফরেস্টের বাংলোটা আছে এটা এদিকে রেঞ্জ অফিস আছে? ওকে, থ্যাংক ইউ। চিলাপাতা পৌঁছতে পৌঁছতে হম লোক রাত কো 9 বজ গিয়া থা। মার্চ মহিনা হোনে কে বাবজুদ ভি রাত কো ইহাঁ পে কাফি ঠান্ডা থা। রাত কো হম লোক ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট কা গেস্ট হাউস, জো কি চিলাপাতা ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস কে অন্দর হ্যায়, वहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे हम लोगों का पहले ही बुकिंग बनाया हुआ था और फोन में हमने सूचित कर दिया था कि हमारा पहुँचने में थोड़ा रात हो जाएगा, इसलिए हमें कोई असुविधा नहीं हुआ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम लोग है चीलापाता में वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस में। कल रात को हम लोग यहाँ पे आए थे और अभी मेरा घड़ी में सुबह 5:20 हो रहा है। अभी भी काफ़ी अंधेरा है, पूरा लाइट नहीं आया है और हम लोग अभी निकलेंगे जंगल सफारी में। यहाँ पे दो रूट है जंगल सफारी का, हम दूसरा वाला जो रूट है वहाँ से जंगल सफारी करेंगे। ये वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस है। रात को मैं आपको दिखा नहीं पाया, अभी थोड़ा मैं दिखा देता हूँ। ये एक बहुत पुराना बिल्डिंग है और पूरा लकड़ी से बना हुआ है। रात को काफ़ी सारा आवाज़ हो रहा था और थोड़ा डरावना सिचुएशन था और लेट नहीं करेंगे। जाकिर भाई नीचे था हमारा, तो वो भी काफ़ी डर गए थे, काफ़ी हॉन्टेड टाइप लगा हमें। जो भी है, हमें अभी लेट नहीं करना है, जंगल सफारी के लिए चलना है। हम लोग जाएंगे कोदाल बस्ती में, तो वहाँ से हमारा जंगल सफारी शुरू होगा कोदाल बस्ती से। अभी हम लोग जाएंगे कोदाल बस्ती चेक पोस्ट पर, जो कि यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर है। अभी हम आपको जानकारी देंगे चीलापाता में जीप सफारी करने के लिए बुकिंग कैसे बनाया जाता है। जीप बुक करने के लिए वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी का वेबसाइट में जाके चीलापाता कार सफारी सिलेक्ट करना है। उसके बाद बुकिंग डेट, नंबर ऑफ पर्सन और रूट डालने के बाद चेक अवेलेबिलिटी में जाके कितने सीट अवेलेबल है वो चेक करना है। आपके जानकारी के लिए बता दे, यहाँ पे दो जीप सफारी है, एक चीलापाता रेंज ऑफिस से लेकर बानियार विंस और वापस, दूसरा है कोदाल बस्ती रेंज ऑफिस से लेके बानियार विंस तक और वापस। दादा, कोदाल बस्ती है दिखे? सुबह 5:30 से लेकर शाम को 3:30 तक दिन में 4 जीप सफारी होता है। मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप अर्ली मॉर्निंग वाला जो सफारी है उसी को सिलेक्ट करें, क्योंकि उसमें जानवर देखने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। কোদালবস্তি সাফারি আছে, কোথায় যাব? ওই টিকিটটা ওখানেই দেখাবো তো। কতটা এখান থেকে? আরো 5-6 কিলোমিটার। চেক পোস্ট পাবেন। থ্যাংক ইউ। চিলাপাতা রেঞ্জ অফিস সে লেকার
कोदाल बस्ती रेंज ऑफिस तक का ये रास्ता पूरा जंगल का रास्ता था, जिसके वजह से यहाँ पे कोई भी मोबाइल का सेवा उपलब्ध नहीं था और हमें रास्ते पे कोई भी गाड़ी देखने से उसे रोककर रास्ता पूछना पड़ा। वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी का वेबसाइट में जाके पर पर्सन के लिए आपको 280 रुपीज ऑनलाइन पेमेंट करना होगा और उसके बाद उसका प्रिंट आउट लेके आना है इस ऑफिस पे, जहाँ पे आपको गाइड के लिए 350 रुपीज और जीप के लिए 1200 से 1500 रुपया तक भरना होगा। कोदाल बस्ती का एलिफेंट सफारी यहीं से शुरू होता है और इस तरफ है ऑफिस। टिकट हमारा वैसे ऑनलाइन बना हुआ है और यहाँ से हम लोग अपना सफर शुरू करेंगे। टोटल होच्छे कि अपना 350 टाका गाइड चार्ज, 350 टाका गाइड चार्ज, 1500 टाका व्हीकल। এখানে জঙ্গলে কি দেখা যায় মোটামুটি? প্রতি ঘন্টার 2200 টাকা হলো কালি নি ময়ূর। টোটাল জিপটা কত আমাদের রান করে? এই যে রুটটা আছে 1.5 ঘন্টা। आखिर हमारी बहु अपेक्षित चीलापाता की जीप सफारी शुरू हो गया है। काफी तेज हवा चल रहा है और साथ में है फॉरेन भाई। हाँ, जो हमारे गाड़ी का ड्राइवर है। हाँ, सफारी का। हाँ, और हम लोग सफारी कर रहे हैं। कहाँ से फॉरेन भाई बताइए हमें? ये हुआ आपका सिसिलैंड, ये रूट सिसिलैंड टावर जा रहा हूँ। उसका बाद जाएंगे हम लोग मेंदाबरी वॉच टावर, फिर उसका बाद जाएंगे हम लोग हाबरू। कोदाल बस्ती से हमारा जीप सफारी शुरू हो गया है। तकरीबन 1 किलोमीटर मेन रोड से चलने के बाद हम लोग आ गए इस तरह के कच्चे रास्ते पे जंगल के अंदर। हमारे साथ है हमारे गाइड साहब सिद्धि रावत और हम लोग अभी है कौन सा वॉच टावर में? ये सीसी लाइन वॉच टावर में है। काफी कोहरा है यहाँ पे, वैसे तो कुछ दूर दूर तक तो बहुत कुछ नहीं दिख रहा है। इतने ऊपर चल के ये बहुत बड़ा रेंज है यार। टुरसरी बार उस तरफ जलता पड़ा है। किस तरफ? उस तरफ जलता पड़ा ये रेंज है तो जल्दा पड़ा ही। हाँ, जल्दा पड़ा नहीं, जल्दा पड़ा के अंदर ही तो आता है ना ये। लेकिन रेंज अलग है। उस तरफ जल्दा पड़ा रेंज है और इस तरफ कोदाल बस्ती रेंज। रैंडो इसी में रहता है। हम लोग सीसी लाइन वॉच टावर के ऊपर है। यहाँ पे अभी तो कोई फिलहाल जानवर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये घने जंगल, सुबह का ये नज़ारा मन को ताज़ा करने वाली और दिल को छू जाने वाली है। जबकि चीलापाता खाली जंगल के लिए ही खास नहीं है, बल्कि इसका ऐतिहासिक महत्व काफ़ी ज़्यादा है। इतिहास हमें ये बताती है कि 5वीं शताब्दी में नल राजाओं की घर यहीं पे था। नल राजाएं यहीं पे शिकार करते थे, उनका किला यहीं पे था, जिसका अस्तित्व आज नहीं है। भले ही इसका इतिहास जो भी हो, आज हमने बहुत अच्छा समय यहाँ पे बिताया और उसके बाद पेड़ पौधों को पीछे छोड़ के चलने लगे आगे और घने जंगल की तरफ। গহীন গভীর গহন বনে সময় হারায় আপন মনে চিলা পাতা রঙে রঙিন নিঝুম নিবিড় অরণ্য দিন। গহীন গভীর গহন বনে সময় হারায় আপন মনে চিলা পাতা রঙে রঙিন নিঝুম নিবিড় অরণ্য দিন। চিলা পাতা রঙে রঙিন নিঝুম নিবিড় অরণ্য দিন। चीलापाता का ये कोदाल बस्ती में अभी तक तो हमें कुछ खास दिखा नहीं। मिंदाबारी वॉच टावर पीछे छोड़ के हम लोग आगे के तरफ जा रहे हैं, तो देखते हैं आगे और क्या दिखता है।
स्लो कीजिए स्लो कीजिए। चुप चुप। बहुत देर बाद हमें एक मोर दिखा, इसलिए सभी लोग बहुत खुश थे। सभी जंगल के चारों तरफ ढूंढ रहे थे शायद हमें और कुछ दिख जाए। কটা হাতি আছে মোটামুটি এখানে? এখানে মোটামুটি হাতি 150 আছে, কিন্তু হাতি তো এক জায়গায় থাকে না, রেসিডেন্টলি এখানে 150 থাকে। বাইরে থেকে যখন আসলে পরে আবার বেশি হয়ে যায়, আর এখান থেকে আবার চলে যায়। এখান থেকে গরু মরা চালসা, তারপরে জয়ন্তী বক্সা চলে যায়। আপনি কত বছর করছেন গাইড এখান? আমি এখানে 2005 থেকে। हमारे जीप सफारी का तकरीबन एक घंटा हो चुका था और हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक हाथी दिखा। ऐसा हाथी अब से हाथी से ना रुक गए ना, बुझले हाथी के सामने ना रुक गए ना। हाथी के सामने रुकने के लिए मना कर रहा है। हाथी आवाज कुछ होना, हाथी हाथी अचानक से हमें हाथी दिख गया। बहुत ही हम लोग एक्साइटेड है, हम लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, बट मैंने अपना कैमरा को जूम करके थोड़ा बहुत वीडियो लेने का कोशिश किया। तो आगे चलते हैं और देखते हैं शायद हमें और भी कुछ मिल जाए। और ये है ईगल। ऐसा सीन हमें डिस्कवरी चैनल पे ही मिलता है, लेकिन चीलापाता के इस जंगल में आके हमें ये नज़ारा मिल गया। कुछ दूर और चलने के बाद हमारे जीप को फिर से रोकना पड़ा। दूर से जीप रोककर कैमरा को जूम करके जो हमें दिखा वो कुछ इस प्रकार का है। तो ये था हम लोगों का चीलापाता की जंगल में कोदालबोस्ती रेंज का जंगल सफारी। सफारी करने के बाद हम लोग फिर से वापस आ गए अपना फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में, जहां कल रात को हम लोग चेक इन किए थे। और यहाँ पे सामने जो वो घर दिख रहा है वही है चीलापाता जंगल सफारी करने के लिए फॉरेस्ट का ऑफिस। आइए परिचय करवाते हैं आपसे। ये है चीलापाता रेंज का टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर। सफारी यहीं से शुरू होता है। सफारी करने के लिए ऑनलाइन में अगर आप बुकिंग करेंगे, उसके बाद आपको प्रिंट आउट लेके यहाँ पर आना है, और उसके बाद यहाँ से आपको जीप और गाइड मिलेगी, उसका चार्ज दे के जंगल के अंदर जैसा रूट है उस हिसाब से जाना है। चीलापाता का ये है मेरा पीछे काली मंदिर। तो दोस्तों, चीलापाता जंगल का ये सुहाना सफर हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, बने रहिए चैनल पे, क्योंकि आगे जाकर पश्चिम बंगाल का ये सफर हमारा जारी रहेगा। तब तक के लिए अलविदा। बी हैप्पी, बी सेफ।